अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। और अभी मैं ऑनर आने से पहले कह रही थी कि मैं अभी फिलहाल ऑनर आने के फेज में नहीं हूँ। पता क्यों? क्योंकि मेरी चाय सुबह सुबह मुझे ना थोड़ी लेट, मैंने लेट पी चाय, तो बेचारी गरम गरम ही आई थी, लेकिन वो मैंने हाथ में मग लेट पकड़ा तो चाय ठंडी थी। मैं कहा जब तक गर्म चाय नहीं आएगी तब तक मैं शो नहीं करूँगी। वैसे ये ऐसे ही मैंने कोशिश की थी एक टैंट्रम थ्रो करने की। लेकिन जनाब उसके साथ साथ चूंकि आगाज मेरा तो चाय के मग के साथ होता है, आज तो मुझे बहुत ही सुस्ती हो रही थी। सुबह मैं दिल कर रहा था कि फौरन से आपको एक चाय मिले जिससे आपकी आंखें ऐसे खुल जाएं और फिर आप जगाने के लिए लाहौरियों को आ जाए। जनाब हम आ चुके हैं आपको जागो लाहौर में जगाने के लिए। 9 से 11 बजे तक आपका हमारे साथ होगा और दिन का आगाज में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ के साथ आपसे शेयर करने वाली हूँ। वो यूँ कि जब आप स्कूल में, अभी भी जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो प्रिंसिपल का एक नाम सुन के ना आपके माइंड में फौरन से आता है कि बहुत ही सख्त और बहुत ही जो कह लेना मूडी किस्म की एक पर्सनालिटी होगी जो आएगी आपको डांटेगी बिठा देगी। अच्छा अक्सर प्रिंसिपल ऐसे होते भी हैं, लेकिन मैंने चूंकि आपकी मुलाकात अपनी प्रिंसिपल से अपने शो में करवाई हुई है तो शी वॉज स्ट्रिक्ट, लेकिन अब चूंकि हम उस फेज से निकल आए तो अब शी इज़ वेरी लीनियंट टू अस। लेकिन उसके साथ साथ जनाब आज हम आपको जिस प्रिंसिपल के हवाले से बताने वाले हैं, आपने सोचा होगा एक प्रिंसिपल आए वो एक ट्रैक सूट में आए, आपके साथ एक्सरसाइज भी करे डांस भी करे, तो जनाब ऐसा ही एक है, एक प्रिंसिपल है जो चीन के सूबे शंघाई में एक स्कूल है और ये आप टीवी स्क्रीन पर उनकी वीडियो देख सकते हैं कि ये स्कूल के प्रिंसिपल के अमूर अंजाम देने वाले 40 साल नौजवान हैं जो अपने तालिब इल्मों के साथ नहायत दोस्ताना माहौल भी रखते हैं और दूसरे प्रिंसिपल जिनके हमें आपको बताई थी इमेज होता है माइंड में उससे काफ़ी हद तक डिफरेंट है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जनाब वायरल हुई कि वह तालिब इल्मों की हौसला अफजाई के लिए इस तरह की एक्सरसाइज और इकदाम करते हैं और वो कहते हैं कि फिटनेस के हवाले से वो बच्चों की बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, लिहाजा उनकी कोशिश होती है कि वे असेंबली में जाकर खुद बच्चों को भी जो है एक्सरसाइज कराएं और ख़ुद भी इनके साथ पार्टिसिपेट करें ताकि उनको भी एनर्जी मिले और उनको देखकर बच्चे मोटिवेट हों। सुबह रोज़ाना वो सुबह असेंबली में जनाब एक्सरसाइज वाले के टायर में आते हैं, उसके बाद आप वीडियो में देख सकते हैं कि उन्होंने हाथ में एक माइक पकड़ा हुआ है जो बच्चों के साथ मुख्तलिफ अंदाज में वो एक्सरसाइज भी करें और डांस भी करें और उनकी बेसिकली इस एक्टिविटी का पर्पज़ यही है कि वो बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज को इनकरेज करें ताकि बच्चे फिट रह सकें। तो जनाब ये थी इंटरेस्टिंग सी वीडियोज हमने आपके साथ शेयर की जो आजकल सोशल मीडिया पर था काफ़ी वायरल हुई हुई है। इसके बाद जनाब हम आपसे जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 16 साल कदीम अजीमुशान थिएटर जो है वो किताब घर में तब्दील कर दिया गया है। अच्छा जनाब आजकल के दौर में किताब खरीदना आपके लिए कौन सा इतनी एक वो कह लें, ऑनलाइन आपको सब कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन जो बुक रीडिंग के शौकीन होते हैं वो बुक्स डेफिनेटली लाइब्रेरीज का भी रुख करते हैं, लेकिन एक दुनिया में एक ऐसी बुक शॉप भी है जहां लोग किताब खरीदने तो जाते हैं लेकिन उसके साथ साथ वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसको देखने के लिए, उस जगह को देखने के लिए बहुत शौक से जाते हैं। और जनाब एक कदीम थिएटर को बुक शॉप में तब्दील किया गया है और ये जगह जो है तारीख और मुतालिया दोनों के शौकीन अफराद की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। दरअसल ये किताबों का एक सुपर स्टोर है जिसके अंदर किताबों की तकरीबन 735 दुकानें हैं और इनके साथ यहाँ पढ़ने वालों के लिए मुख्तलिफ हिस्से भी मखसूस कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत लग रहा है। बेसिकली ये थिएटर है जिसको उन्होंने बुक शॉप्स में तब्दील किया है। जनाब 100 साल कदीम ये थिएटर है जो अपने ज़माने में फ़न और अदब का मरकज़ रहा है और जिसका अंदाज़ा आप इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर से, इसकी दर दीवार से लगा सकते हैं। थिएटर से बुक शॉप में तब्दील करने के लिए इस पर मुख्तलिफ माहरीन ने काम किया और इसमें सिर्फ अलमारियों और सोफ़ों का इजाफा किया गया जबकि जो बाकी साजो सामान है वो उसी तरह से मौजूद है। अभी भी स्टोर में जाने वाले जो अफराद हैं खूबसूरत स्टेज को देखकर, जो वहाँ पर कर्टन्स लगे हुए उनको देखकर, आर्ट के नमूने वहाँ रखे गए उनको देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और डेफिनेटली जो बुक रीडिंग के शौकीन हैं वो तो यहाँ पर उनके लिए एक बहुत अच्छा से अम्बियांस होता है कि वो वहाँ बैठ कर बुक रीडिंग कर सके। तो जनाब ये एक थिएटर था जिसको बुक शॉप्स में तब्दील किया गया है, बुक स्टोर में तब्दील किया गया है, वो हमने आपको दिखा दिया है। अच्छा जी अगली हम आपके साथ रिसर्च अब शामिल कर लेते हैं और वो होती है जनाब सिंगापुर के हवाले से। सिंगापुर वैसे तो टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा जिसको आइडियल समझा जाता है, लेकिन उसके साथ साथ इसको यहाँ पर एक ऐसा बाग भी है जिसका शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन बागात में से होता है और बड़े बड़े सतूनों पर जनाब इस पे पौधे लगाए गए हैं जो इसको एक जंगल की शक्ल देते हैं। जंगल से एक आपको लगता है दूर से कि एक जंगल है और इसके अलावा इसके सतूनों के साथ उन्होंने
आप पूरे एरिया को कवर करने के लिए एक बरच्चा बनाया हुआ है जहाँ पर जाकर आप उसको पूरा ऊपर से नज़ारा कर सकते हैं। और ये बाग जो है मरीना के किनारे वाक़ है और 101 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है और दुनिया भर के फूल लाकर यहाँ पर जनाब लगाए गए हैं। 22 मीटर जो बुलंद है इन, जैसे मैंने आपको बताया, इन जो सतूनों के साथ उन्होंने एक बरच्चा बनाया हुआ है और रात के वक्त इन पर लाइट्स भी लग जाती हैं, म्यूज़िक भी सुनाई देता है और यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ का रुख करते हैं। तो सिंगापुर में ये एक बड़ी खूबसूरत सी जगह है जो हमने आपके साथ शो की, आपको दिखाई भी इसकी पिक्चर्स और टूरिज्म के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें, लग कितना खूबसूरत है और लाइट्स में ज़्यादा खूबसूरत लगी है। अच्छा जनाब, और इसके साथ साथ डाइट एंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो आप जो लोग डाइट भी कर रहे होते हैं, जिम भी जा रहे होते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, उनके लिए अंडे एक प्रोटीन वाली डाइट है, उसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अच्छा, देसी अंडों के हवाले से हमारी न्यूट्रिशनिस्ट जवेरिया हमें बता रही हैं। जी जवेरिया, आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली देसी अंडों पर। देसी अंडों की जब भी बात की जाती है, क्योंकि आजकल जो ब्रायलर अंडे हैं उन्होंने काफ़ी हद तक देसी अंडों की जगह ले ली है, पर हम आज भी इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि जो देसी अंडे हैं उसकी फादियत दूसरे अंडों से ज़्यादा होती है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि स्पेसिफिकली जो देसी अंडे होते हैं कि उसकी एक तो उसकी फिज़िकल अपेयरेंस होती है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती है, ऑन द सेम टाइम इट्स रिच इन कैलोरीज, और जहाँ पर आप उसकी योक देखते हैं बिकॉज वो बहुत जर्द होती है, उसका मतलब उसकी डिटेक्शन है, इट्स गुड इन कलर और यू कैन से कि बड़ा थिक लेयर्स होती हैं, तो थिंग्स आर लाइक दिस के अंडा जो है वो एक बहुत ही बेस्ट एनिमल सोर्स प्रोटीन की बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसके साथ ही साथ वो तमाम चीज़ें जो कि इंसान की बॉडी में डेफिशिएंसीज होती हैं इसको भी ओवरकम करने में बिल्कुल हेल्प आउट करती है। नज़र की कमज़ोरी हो या फिर आपके बालों का गिरना हो, इसमें भी देसी अंडा बहुत हद तक हेल्प आउट करता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जिसम में कमज़ोरी होना, चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसके अलावा सारा दिन उनका लगरपन में गुजरता है, यानी बीमार फील करते हैं, स्लो डाउन फील करते हैं, एनर्जेटिक फील नहीं करते, तो उसकी वजह भी ये होती है कि वो अपने ब्रेकफास्ट में देसी अंडे का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि आप तकरीबन हफ्ते में 4 दिन, आइदर कि आप लड़का हैं या लड़की हैं, और ये तमाम वो माएँ जो कि डिस्क्रिमिनेशन करती हैं कि लड़कियों को अंडा नहीं देना, लड़कों को दिया जा सकता है, लड़कियों को नहीं देना लड़कों को, तो थिंग्स आर लाइक दिस कि आप इक्वली लेके चलें, आपके बच्चे हैं इनकी उतनी ही न्यूट्रिशन, क्योंकि लड़कियों की न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उन्होंने मतलब नेक्स्ट फेज में दे आर लाइक टू से दैट बिकमिंग मदर्स, तो उनकी न्यूट्रिशन हेल्थ वेलनेस का आपको ख्याल रखना बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फ़र्ज़ है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लड़कियां ज़्यादातर क्योंकि अगर मौसम सरमा की बात की जाए तो अंडा उबाल के ले सकती हैं, स्क्रैम्बल या बॉयल्ड एग ले सकती हैं, ऑमलेट बना सकते हैं उसका, पर वे ऑफ कंसप्शन एंड मेथडोलॉजी इज़ टू इम्पॉर्टेंट कि आप उसको प्लांट बेस्ड ऑयल में बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि आप अक्सर जो आपका मतलब आपके बनाने का मेथडोलॉजी होती है वो ठीक नहीं होती, अब अक्सर औकात आप जो अंडा होता है उसको प्रॉपर कुक नहीं कर रहे होते, हाफ बॉयल्ड अंडे की ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है, तकरीबन 50 to 60 कैलोरीज, अदरवाइज अगर सिंपल आप अंडा लेते हैं, अगर बॉयल लेते हैं तो उसमें आपकी कैलोरीज डाउन हो जाती है, और वो न्यूट्रिएंट डेंस ज़रूर होता है, न्यूट्रिएंट डेंस लाइक टू से दैट इट्स फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, फॉलेट और उसके अलावा इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड जो कि अंडे में मौजूद होते हैं, जो कि ना सिर्फ आपको रोज़मर्रा के मामूलात में एक्टिव रखते हैं बल्कि साथ ही साथ आपकी जो आपके डिफरेंट आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं या डिफरेंट आपकी बॉडी में जो मसले मसाइल हैं, आपका हार्मोनल इवन इम्बैलेंस है या फिर आप प्रेगनेंट लैक्टेटिंग मदर हैं, तो उसमें भी बहुत हद तक हेल्प आउट करता है। जो लोग बूढ़े अफराद हैं वो अगर एग नॉग लें, यानी अंडा दूध को नरम मतलब गर्म अगर पहन के वो पिएं तो उनकी जिस्म के लिए बहुत अच्छा है, और अगर जो सर्द ममालिक पे रहने वाले, सर्द जगहों पे रहने वाले लोग हैं, अगर वो भी एग नॉग का यानी गर्म अंडा और दूध का गर्म उसमें इस्तेमाल करें तो दिस इज़ टू नाइस एंड गुड फॉर देयर हेल्थ। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान क्योंकि उन कंट्रीज़ में है जहाँ पर हमें अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ग़िज़ा दी है बल्कि साथ में ग़िज़ाइयत और लज़्ज़त भी दी है, बट द वे ऑफ इनटेक इज़ टू इम्पॉर्टेंट, किस तरह से उसको लेना है, कौन सी अमाउंट होनी चाहिए, किस एज में कितनी रिकमेंडेड है, यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस क्या होनी चाहिए, छोटे बच्चे जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी डाइट में भी जो अंडा है वो बहुत अहमियत का हामिल है, बल्कि उससे उसके बाद लेटर ऑन एज में, टीन एज में इट्स टू इम्पॉर्टेंट, बट आफ्टर द टीन एज इन द एडोलेसेंट और द यू आर इन द पीरियड ऑफ ग्रोइंग योर, आपकी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, योर फिजिकल, मेंटल एंड योर एवरी सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट्स आर देयर,
सो उसमें भी इम्पॉर्टेंट माइक्रो मिनरल्स जो आपकी नीड होती है उसको ओवरकम करने के लिए एक अंडा बहुत ही अच्छी खुराक है। स्पेसिफिकली यहाँ बताना चाहूँगी वो बच्चियाँ जो कि एनीमिक हैं, यानी कि उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और साथ ही साथ उनकी फोलेट की जो यानी उनकी फौलादी कमी उनकी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंट है, तो वो भी अगर तकरीबन हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा अपनी डाइट में एक अंडा ऐड कर लें, यानी एक मतलब एक देसी अंडा ऐड कर लें, तो उनकी जो सेहत है उसके बरक्स अगर वो दूसरा अंडा ऐड करते हैं उससे उनको काफ़ी हद तक उनकी बॉडी पे असरअंदाज होता है और वो बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी में परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तमाम वो लोग जो कि मसल वेट गेन करना चाहते हैं, वो मतलब अक्सर औकात आपने सुना होगा या देखा होगा या कुछ लोग करते भी होंगे, 6 अंडों का या 12 अंडों का इस्तेमाल करते हैं या पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं अंडों को, या फिर दे कैन गो विद द प्रिजर्वेटिव्स एंड टेक्निक्स। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप पाउडर्स की बजाय अगर आप उसको अंडा जो है आपके पास एज अ फूड सोर्स है या एज अ हेल्दी फूड सोर्स है उसके साथ रिप्लेस करें तो इट्स क्वाइट गुड। यहाँ मैं एक चीज़ बताती चाहूँ कि जो एक पूरा एक कम्प्लीट फुल एग होता है इट्स ऑल्सो गुड फॉर द वेट लॉस एंड इट्स ऑल्सो गुड फॉर द हार्ट टू। मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इसका जो येलो पोर्शन होता है जो एग योक होती है वो रिच इन कोलेस्ट्रोल है, ठीक है वो न्यूक्लियोलस है एंड इट्स फुल ऑफ कैलोरीज एंड मेनी अदर थिंग्स टू, बट ऑन द अदर साइड्स इट्स गुड फॉर योर हार्ट, इट्स गुड फॉर योर ब्रेन, इट्स गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर होल बॉडी। तो यहाँ मैं मतलब मेरा ये तमाम लोगों को मैसेज है कि कोशिश कीजिए कि अपनी डाइट में और अपनी मतलब जो आपकी खुराक है उसमें अंडे का सूप की फॉर्म में आप अंडे को बॉयल फॉर्म में मतलब किसी ना किसी तरीके से अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए ताकि आप डिफरेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज से बच सकें और उसके अलावा आप डिफरेंट बीमारियों से बच सकें। जी थैंक यू सो मच जवेरिया, बता रही थी कि किस हवाले किस तरह से देसी अंडे जो हमारी सेहत के लिए मुफीद भी हैं और डेफिनेटली ब्रॉयलर जो चीज़ें हैं उनकी वजह से बहुत सारे इश्यूज भी हैं, लेकिन एट द एंड प्रोटीन से भरी एक डाइट है और अंडा रोज़ाना एक खा लें तो मेरे ख्याल से उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैंने खुद पहले भी आपसे शेयर किया था कि मेरी ये प्रैक्टिस है कि मैं आजकल सुबह उठते ही एक बॉयल अंडा ज़रूर कंज्यूम करती हूँ क्योंकि उससे बाल जिनके गिर रहे हैं प्रोटीन आपको प्रॉपरली मिल रहा है तो वो एक डेफिनेटली आपकी बॉडी को उसकी नीड भी है और उसकी अफादियत भी है। अच्छा जनाब हम लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।